हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास ऑफ क्लास 10th इंग्लिश. इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर द थीव्स स्टोरी, और ये हमारे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का सेकेंड चैप्टर है जिसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने. ठीक है, तो इस चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा कि ये जो कहानी है ये दो लोगों के बारे में है, पहला अनिल और दूसरा हरी सिंह. ठीक है, हरी सिंह जो है ये एक फेक नेम है. ठीक है, और हरी सिंह कौन है इस स्टोरी में? हरी सिंह इस स्टोरी में हमारा थीफ है. ठीक है, हरी सिंह कौन है? हमारा थीफ है, जिसके ऊपर बेस्ड हमारी ये पूरी स्टोरी है. ठीक है, अनिल के बारे में भी हमने अभी तक पढ़ा कि अनिल जो है वो एक टॉल, ठीक है, लीन फेलो है, अबाउट 25 इयर्स, 25 साल के करीब उसकी एज है. ठीक है, और बहुत ही सिंपल पर्सन है. ठीक है, बहुत सिंपल सीधा साधा इंसान है. ऑन द कॉन्ट्रेरी हरी सिंह जो है, हरी सिंह 15 इयर्स का है. ठीक है, और एक एक्सपर्ट थीफ है, एक एक्सपर्ट चोर है. ठीक है, क्या करता है हरी सिंह, जो एक फेक नेम है. ठीक है, बट हम इस स्टोरी में इसे हरी सिंह के नाम से ही रिप्रेजेंट करेंगे. तो हरी सिंह क्या करता है? हरी सिंह जो है वो लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेता है, लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर उनके यहाँ पर जॉब करना स्टार्ट करता है, उनके यहाँ काम करना स्टार्ट करता है. और जैसे ही उसे मौका मिलता है, ठीक है, अपने एम्प्लॉयर के यहाँ जो भी वैल्यूएबल चीजें उसे मिलती है वो चीजें चुरा कर वहां से भाग जाता है. क्लियर? चलिए, अब अनिल के बारे में हम और क्या जानते हैं? अनिल के बारे में हम जानते हैं दैट ही इज अ राइटर, वो एक राइटर है. ठीक है, क्या करता है? राइटर फॉर मैगजीन्स, मैगजीन्स के लिए लिखने का काम करता है. एक वर्ड यहां पर यूज हुआ था हमारे चैप्टर में, थोड़ा सा याद करिए, और वहां लिखा था कि अनिल जो है ही मेक्स मनी बाय फिट्स एंड स्टार्स. ठीक है, फिट्स एंड स्टार्स का मतलब इन अ अनकन्वेंशनल मैनर. ठीक है, जैसे सब लोग पैसे कमाते हैं उनसे बिल्कुल अलग तरीके से, इररेगुलर मैनर में मैगजीन्स के लिए लिख कर वो पैसे कमाता था. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि एक दिन, अच्छा इस सिचुएशन पर आने से पहले हमने ये भी पढ़ लिया था कि हरी सिंह जो है वो अनिल के यहाँ पर काम करने लगता है. ठीक है, अनिल हरी सिंह को लिखना पढ़ना सिखा रहा है, साथ ही हरी सिंह जो है वो अनिल के लिए खाना बनाता है, सुबह की चाय बनाता है. ठीक है, अनिल के लिए सारा किराने का सामान परचेज करके लाता है जिसमें वो रोज एक आधा रुपया बचा लेता है. ठीक है, अनिल हरी सिंह पर पूरा भरोसा करता है, हरी सिंह को उसने अपने घर की चाबी दे रखी है, हरी सिंह जब चाहे तब घर के अंदर आ सकता है और घर से बाहर जा सकता है. चलिए, अब वन डे अनिल गॉट सम मनी बाय सेलिंग अ बुक टू अ पब्लिशर. ठीक है, अब एक दिन अनिल को कुछ पैसा मिलता है. वो पैसा कहां से आता है अनिल के पास?
वो एक पब्लिशर को अपनी बुक सेल करता है जिसकी वजह से उसके पास पैसा आता है। अब हरि सिंह जो पिछले एक महीने से अनिल के यहाँ पर काम कर रहा है और उसने अनिल के यहाँ पर कोई चोरी नहीं की है, कोई बड़ी चोरी नहीं की है, सिर्फ वो जो छोटे मोटे रोज एक आधा रुपया वो बचाता है सब वही किया है, तो हरि सिंह सोचता है कि नाउ इट इज टाइम टू डू रियल वर्क, कि अब समय आ गया है कि मैं अपना कुछ रियल काम करूं। ठीक है, तो वो डिसाइड करता है कि वो अनिल के ये जो पैसे हैं इन्हें चुरा लेगा। ठीक है, तो यहां से हम हमारी कहानी को कंटिन्यू करेंगे। अपनी बुक ओपन करें, बुक में पेज नंबर 10 ओपन करें। ठीक है, और यहां पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस के बाद से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए, लेट्स बिगिन। अनिल वॉज अस्लीप, अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बैल्कनी एंड फेल ऑन द बेड। अनिल सो रहा था, ठीक है, उसके चेहरे पर चांद की रोशनी पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। हरि सिंह फ्लोर पर बैठा था और अपना प्लान बना रहा था, सिचुएशंस को एनालाइज कर रहा था कि कैसे वो चोरी कर सकता है। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। उसने सोचा कि अगर मैंने अभी पैसे चुरा लिए तो मैं आराम से 10:30 बजे जो लखनऊ के लिए एक्सप्रेस ट्रेन जाती है मैं उस ट्रेन को पकड़ सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। ये सोचकर वो अपने ब्लैंकेट से निकला, अपने रजाई से बाहर निकला और अनिल के पलंग के पास पहुंचा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल जो है वो बहुत ही शांति से, सुकून से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन। उसका फेस बिल्कुल क्लियर था, उस पर किसी तरह के कोई लाइंस नहीं थे, कोई निशान नहीं थे। ठीक है, इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइंड वर मोस्टली स्कार्स। इवन हरि सिंह कहता है कि मेरे फेस पर अनिल के फेस से ज्यादा निशान है, हालांकि वो निशान उसको कैसे मिले, चोट की वजह से वो स्कार्स हैं, जो चोट लगी उसके निशान है। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। हरि सिंह अपना हाथ अनिल के मैट्रेस के नीचे डालता है, सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोट्स को ढूंढना शुरू करता है, पैसों को ढूंढना शुरू करता है। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। और जैसे ही हरि सिंह का हाथ उन नोट को टच करता है वो तुरंत उन नोट को पकड़कर बिना कोई आवाज किए उन्हें बाहर निकाल लेता है। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड। अनिल अपनी नींद में एक गहरी सांस लेता है और इसकी तरफ करवट ले लेता है। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। स्टार्टल्ड मतलब घबरा जाना। हरि सिंह एकदम से घबरा जाता है और तुरंत कमरे के बाहर आ जाता है पैसे लेके। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगिन टू रन। रोड पर आकर वो तेज तेज भागना शुरू करता है। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट। जिसने उन नोट को अपने वेस्ट में, कमर में बांधा हुआ था, अटकाया हुआ था, हेल्ड बाय द स्ट्रिंग्स ऑफ माय पजामा, जो उसके पजामे का नाड़ा था उस नाड़े में उन नोट को अटका रखा था। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। अब साइड में घर से काफी दूर आकर ये साइड में एक फुटपाथ पर रुकता है, पैसों को निकालता है और नोट को गिनना शुरू करता है। 600 रुपीज एंड 50s। और जब वो काउंट करता है तो वो टोटल कितने पैसे होते हैं, 600 रुपीज होते हैं, सब 50 के नोट्स। यानी टोटल कितने नोट हुए, ठीक है, एक नोट 50 का है और टोटल 600 रुपीज हैं, तो देयर वर हाउ मैनी नोट्स, 12 नोट्स। ठीक है, 50-50 के 12 नोट थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। तो हरि सिंह सोचता है कि इतने पैसे से तो मैं एक ऑयल रिच अरब की तरह लग्जरियस मैनर में अपनी लाइफ बिता सकता हूँ एक दो सप्ताह के लिए। ठीक है, ऑयल रिच अरब का मतलब सऊदी अरेबिया के वो लोग जो ऑयल्स का काम करते हैं, दे आर वेरी रिच, वो बहुत अमीर होते हैं। ठीक है, बहुत लग्जरियस लाइफ जीते हैं। तो अनिल यही, हरि सिंह यही कहता है कि ये जो 600 रुपये हैं इससे तो हमें एक दो सप्ताह तक अरब के जो रईस लोग हैं उनके जैसी लग्जरियस जिंदगी बिता सकता हूं। When I reached the station,
आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस. अब ये स्टेशन पर पहुंचा. क्या प्लान था इसका? इसका प्लान था कि इसे 10:30 की जो एक्सप्रेस ट्रेन थी लखनऊ के लिए, वो ट्रेन पकड़नी थी और यहाँ से भाग जाना था. ठीक है, तो जब ये स्टेशन पे पहुंचा तो ये टिकट ऑफिस पे टिकट लेने के लिए नहीं रुका. आई हैड नेवर ब्रॉट अ टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि ये बाय प्रोफेशन एक थीफ था, तो उसने कभी आज से पहले टिकट खरीदने की ज़रूरत महसूस ही नहीं की. हमेशा बिना टिकट के ट्रैवल करता था. बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म. डैश मीन्स क्विकली, मूव क्विकली, यानी तेजी से सीधे प्लेटफॉर्म पर चला जाता है. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो उसकी आंखों के सामने से प्लेटफॉर्म पर से जा रही थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरिएज, बट आई हेजिटेटेड. ट्रेन ने अभी तक अपनी स्पीड नहीं पकड़ी थी, धीरे धीरे चल रही थी, और अगर ये चाहता तो आराम से भाग कर किसी भी डिब्बे में चढ़ सकता था, लेकिन ये हेजिटेट हो गया, थोड़ा सा झिझक गया. उसको लगा कि मुझे इस नहीं करना चाहिए ऐसा. फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. इसे भी नहीं पता कि क्यों ऐसा हुआ. आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था इसके साथ, लेकिन आज पता नहीं क्यों इसको एकदम से ऐसा लगा कि इसे ट्रेन में नहीं बैठना चाहिए, और वो ट्रेन इसके सामने से निकल गई. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Train के जाने के बाद इसने देखा कि ये उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था. I had no idea where to spend the night. इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी रात कहाँ पर बिताऊँ, कहाँ पर रहूँ. ठीक है, I had no friends. इसके कोई दोस्त नहीं थे. Believing that friends were more trouble than help. ठीक है, क्यों इसके दोस्त नहीं थे? बिकॉज हरी सिंह को ऐसा लगता था कि इसका जो काम है, इसका जो प्रोफेशन है, कौन सा प्रोफेशन? चोरी का प्रोफेशन. वहां पर फ्रेंड्स जो हैं वो मदद से ज्यादा मुसीबत खड़ी करने का काम करते हैं. ठीक है, अब ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि देखो क्या होता है कि ये एक चोर है. ठीक है, हमेशा इसके पीछे पुलिस पड़ी रहती है. ठीक, अगर इसके दोस्त होंगे तो हो सकता है ये पकड़ में ना आए, लेकिन इसका कोई फ्रेंड पकड़ने में आ जाए और वो पुलिस को इसके बारे में सब कुछ बता दे, तो हो सकता है अपने फ्रेंड की वजह से ये भी फंस जाए. इसलिए इसने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई दोस्त बनाया ही नहीं, क्योंकि इसे लगता था कि इसके प्रोफेशन में फ्रेंड जो हैं वो मदद से ज़्यादा मुसीबत खड़ी करने का काम करते हैं. एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस by staying at one of the small hotels near the station. साथ ही स्टेशन के पास में जो छोटे छोटे होटल्स थे, उन होटल्स में जाकर भी ये किसी को क्यूरियस नहीं बनाना चाहता था. मतलब सबको वहाँ पे आसपास के जो लोग थे सबको पता था कि ये कैसा है, इसके पास ज़्यादा पैसे वैसे नहीं होते हैं. और अब अगर ये सपोज एकदम से जाकर किसी होटल में पैसे देकर ये कहे कि मुझे रूम चाहिए, तो ऑब्वियसली लोगों को इसके ऊपर क्या होता, डाउट होता कि आज से पहले कभी इसके पास पैसे नहीं रहते थे और ये अब एकदम से इतने पैसे कहाँ से लेकर आया. तो इसलिए ये किसी होटल में भी नहीं जा सकता था. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड. और जिस इंसान को ये अच्छे से जानता था, सिर्फ एक ही इंसान था, वो था अनिल. और उससे तो पैसे चुरा कर ये भागा ही था. लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार. ठीक है, अब स्टेशन छोड़कर ये धीरे धीरे बाजार में घूमने लगा. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स. अब अपने इस छोटे से चोरी के करियर में, ठीक है, इसने लोगों के एक्सप्रेशंस को, किसने, थीफ ने, ही लर्न टू रीड the expressions of persons to read the expressions of persons who are robbed. ठीक है,
अपने छोटे से करियर में इसने उन लोगों के जिनको जो जिनसे कुछ चीज़ चुरा ली जाती है या जिनकी कोई चीज़ खो जाती है उन लोगों के एक्सप्रेशंस को अच्छे से रीड करना सीख लिया था, ठीक है। और क्या सीखा था इसने, ठीक है, क्या पता लगा इसे लोगों के एक्सप्रेशंस के बारे में, तो देखें क्या क्या थ्योरी थी हमारे थीफ की। देखें यहां लिखा हुआ है द ग्रीडी मैन जो लालची लोग होते थे व्हेन दे आर रॉब्ड दे शो फियर, वो क्या शो करते थे, डर शो करते थे। अगर किसी लालची इंसान की कोई चीज खो जाए तो वो डर शो करता है, किस बात का डर, कि उसके पास और जो चीजें हैं कहीं वो उससे ना छिन जाए, ठीक है। तो दे शो फियर, ग्रीडी लोग क्या करते हैं, डर शो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आगे इसने क्या देखा, आगे क्या बताया इसने, जो रिच लोग होते हैं दे शो एंगर, ठीक है। जो अमीर लोग होते हैं वो गुस्सा दिखाते हैं, ठीक है, गुस्सा इस बात का नहीं, उन्हें इस बात से तकलीफ नहीं होती कि उनका पैसा उनके पास से चला गया, उन्हें इस बात की तकलीफ होती है कि किसी पर्सन ने उन्हें आउटस्मार्ट करके उनका पैसा उनसे ले लिया, उनसे छीन लिया, ठीक है। तो दे शो एंगर, वो गुस्सा दिखाते हैं किस पर, थीफ पर, कि कितना बेकार इंसान था, पैसे ले गया मेरे, ठीक है। उन्हें पैसे जाने का दुख नहीं है, उन्हें इस बात का दुख हो रहता है कि वो थीफ इन्हें पागल बनाकर इनसे पैसे ले गया, ठीक है। तो दे शो एंगर, ग्रीडी पर्सन शो फियर, जो लालची लोग होते हैं वो क्या दिखाते हैं, डर दिखाते हैं कि अरे मेरा पैसा चला गया, कहीं ऐसा नहीं हो कि जो और मेरे पास है वो भी मुझसे छिन जाए, ठीक है। और जो पुअर लोग होते हैं, पुअर मैन के बारे में अनिल हरी सिंह का क्या कहना है, वो क्या करते हैं, दे शो एक्सेप्टेंस, ठीक है। वो क्या दिखाते हैं, एक्सेप्टेंस दिखाते हैं, मतलब जो हो गया वो हो गया, उसको अपनी किस्मत मानकर चुप बैठ जाते हैं कि ठीक है मेरी किस्मत में ही लिखा था कि मेरा नुकसान होना है, नुकसान हो गया, अब क्या कर सकते हैं। वो ना तो गुस्सा दिखाते हैं ना डर दिखाते हैं, बस उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरी किस्मत में था कि मेरा नुकसान होना था और वो नुकसान हो गया, ठीक है। तो ये हमारे थीफ की थ्योरी थी अबाउट द पर्सन गेटिंग रॉब्ड, कि जब कोई पर्सन के साथ, किसी पर्सन के साथ चोरी होती है तो वो तीन तरह का एक्सप्रेशन शो करता है। अगर कोई लालची इंसान होगा तो वो डर दिखाएगा, अगर कोई अमीर इंसान होगा तो वो गुस्सा दिखाएगा, और अगर कोई गरीब इंसान होगा तो वो उस चीज को क्या करेगा, उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा अपनी किस्मत मानकर, अपनी डेस्टिनी मानकर, ठीक है। सो इन माय शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, अपने छोटे से चोरी के करियर में इसने लोगों के एक्सप्रेशंस को पढ़ना सीख लिया था जब उनकी कोई भी चीज चोरी होती है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची लोग डर दिखाते हैं। रिच मैन शोड एंगर, अमीर लोग गुस्सा दिखाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, लेकिन इसे पता था, ठीक है, इसको क्या पता था कि जब अनिल को यह पता लगेगा, ठीक है, कि उसके पैसे चोरी हुए हैं, तो ना तो वो डर दिखाएगा, ना वो गुस्सा दिखाएगा, और ना ही इस चीज को एक्सेप्ट करेगा। ही विल जस्ट शो अ सैडनेस, ठीक है, वो सिर्फ दुख शो करेगा। दुख इस बात का नहीं कि उसके पैसे हरी सिंह ने चुरा लिए, बल्कि दुख इस बात का कि हरी सिंह जिस पे उसने भरोसा किया था, ट्रस्ट किया था, उसने अनिल का भरोसा तोड़ दिया। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है अनिल को, ठीक है, पैसे अगर नहीं भी होते, पैसे का कोई दुख नहीं है। दुख इस बात का होगा कि जिस पे अनिल ने भरोसा किया था, उसी पर्सन ने उसके भरोसे को तोड़ दिया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, अब ये
भागते हुए हमारा जो थीफ है ये कहाँ आ गया, एक गार्डन में आ गया, एक ओपन स्पेस में, और वहाँ पर जो एक बेंच लगी थी उस पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात का समय था, ठंड थी। इट वॉज अर्ली नवम्बर, नवम्बर की शुरुआत का समय था। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। लाइट ड्रिजल मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी, जिसकी वजह से हमारे थीफ की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, जल्द ही तेज बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पायजामाज स्टक टू माई स्किन, इसकी शर्ट और इसका जो पजामा था वो इसके स्किन से चिपक गए, गीले हो गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवाएं बारिश की बूंदों को इसके फेस पर गिरा रही थी, मार रही थी, लग रही थी, चोट लग रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, ये वापस से बाजार में आया और वहां पर जो क्लॉक टावर था उसके शेल्टर में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, तभी घड़ी ने 12 बजे का साइन शो किया। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, इसने उन नोट को हाथ लगाकर देखा। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो बारिश की वजह से गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा था वो। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। अब हमारा जो थीफ है वो सोचता है कि हो सकता है कल जब सुबह होती तो अनिल मुझे बुलाकर 2-3 rupees दे देता और कहता कि जाओ जाकर पिक्चर देखाओ, मूवी देखाओ, लेकिन अब ये पूरे के पूरे पैसे, पूरे 600 rupees मेरे पास हैं। आई कुडंट कुक हिज मील, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और वो सोचता है कि मुझे ये 600 rupees तो मिल गए, लेकिन इस 600 rupees के बदले में मैंने क्या खोया। मैं अब अनिल के लिए और ज़्यादा खाना नहीं बना सकता, उसके लिए बाजार से सामान नहीं ला सकता, और ना ही और ज़्यादा लिखना पढ़ना सीख सकता हूँ। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट, इन सब चीज़ों के बारे में हमारा थीफ जो है वो सोच ही नहीं रहा था। वो चोरी, वो पैसे मिलने में, पैसे मिलने की वजह से इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, चोरी, सक्सेसफुल चोरी करने की वजह से इतना खुश था कि उस चोरी के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, उस चोरी के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में उसने सोचा ही नहीं था। लेकिन अब जब वो यहाँ खाली बैठा हुआ था तब ये सब चीज़ें उसके दिमाग में आ रही थी। होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 rupees, जैसे ये बात पता थी कि अगर ये पूरे सेंटेंसेस लिखना सीख जाएगा, पढ़ना लिखना सीख जाएगा, तो शायद आने वाले समय में इन कुछ 100 rupees से ज़्यादा पैसा कमा पाएगा, ठीक है। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड सम टाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, वो सोचता है कि चोरी करना बहुत आसान है और उससे भी ज़्यादा आसान है चोरी करते हुए पकड़े जाना, ठीक है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक वाकई में एक बड़ा इंसान वो होता है, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक चालाक और एक रिस्पेक्टेड मैन बनना, ठीक है, दैट वॉज समथिंग एल्स, वो सबसे ऊपर है। हाँ, माना मैंने आज 600 rupees अनिल के चुरा लिए और टेम्प्ररीली मैं 1-2 सप्ताह तक, इनफैक्ट 1 महीने तक बहुत अच्छे से एक लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद क्या, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो 600 rupees ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं वापस से एक चोर बनकर रह जाऊँगा, ठीक है, मुझे वापस से वही डिसरिस्पेक्टफुल लाइफ, एक चोरी की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं अनिल के साथ रहता तो शायद मैं लिखना पढ़ना सीख पाता, शायद मैं कोई एक अच्छी नौकरी कर पाता और शायद मैं एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी पाता, मुझे ये चोरी करनी ही नहीं पड़ती जिंदगी में कभी भी। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इसने सोचा और फिर इसने कहा कि मुझे वापस से अनिल के पास जाना चाहिए। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, सिर्फ अगर लिखना और पढ़ना सीखने के लिए ही जाना पड़े तो भी मुझे अनिल के पास जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अनिल के पास, अनिल के साथ रहकर मैं एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सकता हूँ। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, ये बहुत नर्वस फील करते हुए, घबराते हुए रूम पर जाता है। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि चोरी करना तो आसान है
लेकिन किसी चुराई हुई चीज को वापस से बिना किसी को पता लगे उसकी जगह पर रखना बहुत मुश्किल। आई ओपन द डोर क्वाइटली, इसने चुपचाप दरवाजा खोला, देन स्टूड इन द डोरवे, हॉल में खड़ा हो गया, इन क्लाउडेड मून लाइट, ठीक है, मून की लाइट अभी भी रूम में आ रही थी। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, ये पलंग के हेड की तरफ जाता है, ठीक है, एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और इसके अपने हाथ में वो नोट्स उठा पकड़ता है। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, अनिल की सांसों को ये अपने हाथों पे महसूस कर पा रहा था। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, एक मिनट तक बिल्कुल ऐसे ही खड़ा रहता है बिना हिले डुले, देन माई हैंड्स फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर इसका हाथ मैट्रेस के बिल्कुल किनारे पर पहुंचता है, एंड स्लिप अंडर इट विद द नोट, और उन नोट को ये मैट्रेस के अंदर छुपा देता है, वापस से जहां से उठाया था वहीं रख देता है। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अगले दिन ये थोड़ा लेट उठता है और इसे पता लगता है कि अनिल ऑलरेडी चाय बना चुका है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, अनिल अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाता है। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसकी उंगलियों के बीच में एक 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक, अब हमारे हरी सिंह का दिल जो है वो एकदम से जोर जोर से धड़कने लगता है कि कहीं अनिल को पता तो नहीं लग गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, इसे लगता है कि ये पकड़ा गया, इसकी चोरी पकड़ी गई। अनिल कहता है आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कल कुछ पैसा कमाया था, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब से मैं तुम्हें रेगुलरली पैसे दूंगा। माई स्पिरिट रोज, जैसे ही हमारा थीफ ये बात सुनता है उसको बड़ा सुकून मिलता है। बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, लेकिन जैसे ही ये उस नोट को अपने हाथ में पकड़ता है इसे पता लगता है कि वो नोट अभी भी गीला था कल रात की बारिश से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज ही सेड, और अनिल उससे कहता है कि आज हम सेंटेंसेज लिखना सीखेंगे। ही न्यू, ठीक है, अनिल को पता था कि हरी सिंह ने वो पैसे वहां से निकाले थे, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग, लेकिन ना तो अनिल ने अपने मुंह से ना ही अपने एक्सप्रेशन से इस बारे में कुछ कहा कि उसे चोरी के बारे में पता है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, हरी सिंह ने अनिल को देखा और बड़े ब्रॉडली स्माइल किया, एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और वो स्माइल अपने आप आई, इट वो कोई फेक स्माइल नहीं थी, वो स्माइल अपने आप आई थी। मतलब एक तो होता है चोरी करना, ठीक है, अगर सपोज आपसे कोई किसी चीज को चुराए तो हम क्या करते हैं, हम उसको पनिश करने के बारे में सोचते हैं, हम अगर उसे फॉरगिव भी कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं कि उस पर्सन ने मुझसे कुछ चीज चुराई थी। लेकिन अनिल जो है, अनिल को ये पता था कि हरी सिंह ने उसके पैसे चुराए हैं, लेकिन उसके बाद भी ना तो उसने इस बारे में हरी सिंह से कोई जिक्र किया, ना ही अपने एटीट्यूड या अपने बिहेवियर को चेंज किया। तो यही अनिल का सबसे बड़ा बड़प्पन था, ठीक है, उसकी अच्छाई थी, और इसी ने हरी सिंह को रिफॉर्म किया, हरी सिंह को बदल दिया, एक अच्छे सही रास्ते पर लेकर आया। तो ये थी हमारी कहानी द थीफ स्टोरी, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। आपको ये कहानी शायद अच्छी लगी होगी, आई होप। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस स्टोरी के जो क्वेश्चन आंसर्स हमारी बुक में दिए हुए हैं उन क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करिएगा। फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।